हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ पर्सनालिटी 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए कॉस ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला यह सवाल दिया है आपका साइन ए, इसको हमें काट ए के रूप में चेंज करना है। इसको सॉल्व करते हैं, दिया है साइन ए। अब साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए पहले इसको हम डिसाइड करेंगे किस रूप में इसको कन्वर्ट करना। इसको हम अंडर रूट कर दें और यहाँ साइन स्क्वायर ए। अब ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए लिखने के बाद, अब साइन स्क्वायर ए है तो काट कब आएगा, इसको पुनः हम कर सकते हैं 1/cosec स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए है, आप जानते हैं कि काट स्क्वायर ए इक्वल टू, चाहे कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot² a। यहाँ दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1+cot² a। यह हो गया अंडर रूट 1/। अब कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1+cot² a। अब ये देख रहे हैं काट ए के पदों में आपका आ गया, तो आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दिया आपका कॉस ए, सेम कंडीशन की तरह उसको भी हम करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को हम तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए को आप तोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे जैसे साइन को तोड़े थे, तो क्या मिला था आपको, अंडर रूट 1/ पास है तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जैसे हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+tan² a, तो सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं 1+tan² a, अंडर रूट 1/1+tan² a। अब ये देख रहे हैं tan को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें किस पदों में लाना है, काट के पदों में लाना है, तो अंडर रूट 1/1+cot² a। LCM लेंगे, यह हो जाएगा काट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए अपान, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1, या हम लिख सकते हैं 1+cot² a। इसको करणी से बाहर करेंगे तो काट ए अपान 1+cot² a, यह अंडर रूट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है tan a, इसको तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, tan a बराबर जानते हैं 1/cot a, ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिया है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों
त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त में क्वेश्चन नंबर ए या साइन अब साइन ए को हम चेंज करेंगे सेक के पदों में तो यह देख रहे हैं कि साइन ए को हम कैसे पदों में चेंज करेंगे सेक ए के पदों में चेंज करेंगे तो साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर के अब साइन स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर ए को आप चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है तो यहाँ दिया है साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं ए इधर जाएगा तो आप लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अब ये देख रहे हैं हमें किस में चेंज करना है सेक में चेंज करना है तो सेक कब आएगा जब इसको कास को तोड़ेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा वन माइनस वन अपान सेक स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक स्क्वायर ए जैसे कि स्क्वायर है करड़ी से बाहर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए इसका क्वेश्चन नंबर दो इसका दूसरा पार्ट है कास ए अब देख रहा है कास ए को चेंज करना है आपको किसमें सेक में इसको चेंज कर सकते हैं हम वन बाई सेक ए तीसरा क्वेश्चन इसका या टेन ए को हमें सेक में चेंज करना है तो टेन ए को सेक में चेंज करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए अब आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा है तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए ये इधर आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर ए यानी टेन स्क्वायर ए यहाँ दिया हुआ है तो आपका वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन सेक के पदों में हो गया चौथा कोसेक ए आप देख रहे हैं कोसेक ए दिया है इसको भी क्या कर सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए अब कोसेक स्क्वायर है इसको तोड़ेंगे आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस काट स्क्वायर ए होता है क्या हो गया अंडर रूट वन प्लस काट स्क्वायर ए अब ये देख रहे हैं काट स्क्वायर ए है हमें सेक के रूप में कन्वर्ट करना है इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा वन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर ए अब यहाँ देख रहे हैं टेन स्क्वायर ए है टेन स्क्वायर ए को भी हम तोड़ सकते हैं क्योंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए तो देख रहे हैं कि यहाँ टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए की जगह पर जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर ए तो देखेंगे कि टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट वन प्लस वन अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन Thank you.
इसका एलसीएम लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस वन प्लस वन है कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अंडर रूट सेक स्क्वायर है ए है करंटिंग में से बाहर होगा तो आ जाएगा आपका सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन या सेक के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, यानी काट ए की वैल्यू हमें निकालना है सेक के पदों में, तो काट ए है इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट लगाएंगे यह हो जाएगा काट स्क्वायर ए। अब काट स्क्वायर ए को टेन में चेंज कर देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा वन अपान टेन स्क्वायर ए। अब जानते हैं कि यह वन अपान टेन स्क्वायर ए सूत्र हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।